आई लाइक टू कीप माई व्हीकल्स क्लीन एंड क्लियर. मैं यूजुअली खुद डिसमेंटल करता हूँ उसको, क्लीनिंग में खुद करता हूँ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी महाजन, आई एम फ्रॉम कल्याण. आई एम अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड वर्किंग इन अ रेलवे डोमेन. सो आई एम पैशनेटेड अबाउट विंटेज कार्स एंड बाइक्स. दिस पैशन केम फ्रॉम माई डैड. एक्चुअली उनके टाइम पे वो SDs, जावाज, स्कूटर्स ओन करते थे. उनके थ्रू मेरे में ये सब इंटरेस्ट आ गया. सो इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. आई वाज वरीड अबाउट माय लास्ट ईयर प्रोजेक्ट. सो दैट टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अ यमहा RX 100, लेजेंडरी यमहा RX 100. सो वो टाइम पे थर्ड ईयर में मैंने एक यमहा RX 100 1993 का ले लिया. देन उसे ही मैंने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सबमिट किया. द प्रोजेक्ट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव रिस्टोरेशन ऑफ टू व्हीलर. सो आई फील वेरी लकी दैट मेरे पास मेरे फर्स्ट बाइक का ब्लैक बुक है जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ओनिंग 135, देन RD 350, देन लूना, वेस्पा एंड ऑल दैट स्टफ. बिकॉज वंस यू गेट इन टू टू स्ट्रोक बाइक्स ना, वो क्या बोलते हैं, वो कीड़ा लग जाता है, तो वो आप शुरू कर देते. सो द बाइक यू आर सीइंग राइट साइड ऑफ मी, दैट इज़ द 50cc काइनेटिक लूना TFR. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ मोपेड. इट्स फ्रॉम 1983. आफ्टर माई इंजीनियरिंग आई वॉज प्रिपेरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. सो आई वेंट टू कोल्हापुर. एक्चुअली मेरा एक एग्ज़ाम का सेंटर आ गया था कोल्हापुर में. सो जिस होटल में मैं रह रहा था उसके पीछे साइड में एक घर के सामने ये गाड़ी खड़ी थी. वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, नॉट इन कॉस्मेटिकली. सो एग्ज़ाम हो गया, मैं घर पे आ गया, बट लूना वॉज इन माई माइंड. तो आफ्टर 2-3 days आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम कोल्हापुर. आई सेंड हिम टू द प्लेस वेयर आई सॉ दिस व्हीकल. देन समहाउ आई मैनेज टू गेट दिस व्हीकल फ्रॉम कोल्हापुर. सो द इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज ही सेंड दिस व्हीकल थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड आई गॉट डिलीवर्ड इन भिवंडी. So due to time crunch, I went directly from office to pick up this moped, and I was in formal. This vehicle was in totally bad condition, in cosmetically. So I drove that vehicle from Bhiwandi to Kalyan. People were like, "Arre, ye kya chala raha hai?" So that is how it was started. Then, fir after 2-3 months, uska sab spares, side ke panels, kuch अंदर के बेरिंग्स वगैरह मैंने आई गॉट इट फ्रॉम कोल्हापुर ओनली. यूनिकनेस ऑफ दैट व्हीकल इज़ डिफरेंट. एक्चुअली इट्स अ मोपेड. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइसिकल विथ अ इंजिन एंड यू कैन पेडल इट ऑल्सो. इट इज़ हैविंग बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव बोथ. सो आपका फ्यूल ख़त्म होने के बाद यू कैन पेडल इट. सो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड दैट क्लच. द क्लच वर्क्स एज अ किल स्विच ऑल्सो. And that's how it's all restored. I got this vehicle around 4,000 or 4,500. Okay, then I repainted it. I invested around 12,000 to 13,000 totally, including paint and all other stuff. But you can see the vehicle is in completely original condition. Most of the parts are original, like switches, seat, the headlamp, Yankee meter, speedometer. This particular vehicle is from Kinetic and yeah, थोड़ा बहुत difficult है इसको restore करना या फिर spares arrangement करना. But if you have good contacts, then you can arrange it. And specially I got spares from Kolhapur and some of them are from Karnataka. I have contacts, so somehow I managed. Mostly I get good reaction from old age uncles because वो उनके ज़माने की है और उनका reaction वही रहता है कि उनकी मेमोरीज आ जाती है. वो लोग बोलते हैं कि यार कहाँ से ली, कब बनाई, कहाँ से बनाई. तो न्यू जनरेशन वाले कभी कभी हंसते हैं, बट उनको वो एक वैल्यू पता चल जाती है.
So I was roaming in Thane with my friends. So I saw uncle, age is around 65-68, riding Bajaj Priya. After that, we started following him. We stopped him. Uncle से बात करते वक्त उन्होंने ने मुझे एक बात कही, बेटा ये प्रिया नहीं है, आगे का शाफ्ट का स्प्रिंग के नीचे एक कवर है वो निकालो. I removed that, I saw their Vespa embossed and I was shocked. So due to spares issue, अंकल ने उसके ऊपर बजाज प्रिया का बॉडी लगा दिया था. ओके, फिर वही क्वेश्चन आ गया, अंकल सेल करोगे क्या? सो आफ्टर 2-3 days और मे बी 4-5 days, somehow I managed to get my hands on my Vespa. So this particular vehicle is 1968 Piaggio Vespa 150cc with a 3 gears. So I got this vehicle around 7000. So मैंने गाड़ी थाने से कल्याण ला दिया, गाड़ी गैराज में खड़ी हो गई. आई मैनेज्ड ऑल द स्पेयर्स फ्रॉम कर्नाटका, बेंगलोर, सम ऑफ देम फ्रॉम कोल्हापुर, सम ऑफ देम फ्रॉम मध्य प्रदेश. यूजुअली देर आर स्कूटर्स विथ 4 gears एंड बजाज चेतक इज़ वन ऑफ द फेमस स्कूटर इन इंडिया. सो ये एक्चुअली बेस्ड है इटली से, मेड इन इटली. सो उसका स्पेयर्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था. बजाज स्टार्टेड असेंबलिंग ऑफ प्रिया ऑन दिस सेम स्कूटर. So unlike Lambretta and your Vijay Super or other scooter, it is not a chain drive. Then I started dismantling of her. After dismantling, आगे का nose आप देखेंगे तो थोड़ा alteration है because of Priya का body. Then engine was in good condition but was needed little bit restoration. Body was not in so good shape. And tires, then cables, everything was required. So after dismantling, I sent this vehicle to paint booth. Paint ho gayi, ready ho gayi, gaadi aa gayi. Rear tire fix karte time, mere mechanic ne uska twist itna zor se kar diya ki rear axle hi tod diya. So that was the dead end for me. So this particular scooter is not a chain drive. इसका डायरेक्ट पावर ट्रांसफ़र होता है टायर में. सो द एक्सेल इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन विच टायर गट फिट्स. ओके, तो फिर वो हो गया. समहाउ आफ्टर 2-3 months का सर्चिंग आई गॉट द स्पेयर फ्रॉम केरला. बिकॉज ये रेयर है 3 gear वाला स्कूटर. मैं कल्याण में ढूंढा, उल्लासनगर, इवन कुरला, बाहर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स किए, बट बिकॉज ऑफ 3 gear का शाफ्ट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट. सो आफ्टर 2-3 months मिलने के बाद उसका फिर असेंबली स्टार्ट हो गया. असेंबली स्टार्ट होने के बाद देन आई फेस सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ प्रिया का बॉडी, थोड़ा बहुत इधर उधर होने लगा. इवन द हैंडल बार वॉज नॉट इन गुड शेप, नॉट ओरिजिनल वन. सो आई सोर्स दैट ऑल्सो. वैसे देखा जाए तो इस गाड़ी में अभी आगे का नोज जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द अल्टर्ड वन, बट द हैंडल इज ओरिजिनल. सीट्स, साइड पैनल्स, लाइट्स, एक्सेसरीज ऑल आर ओरिजिनल. इवन आगे का फोर्क भी ओरिजिनल है, उस पर वेस्पा का एम्बॉस्ड है. वेस्पा को स्टार्ट करने का एक यूनिक तरीका है, उसके बिना वो स्टार्ट ही नहीं होती. यू हैव टू टिल दैट व्हीकल टू राइट साइड बिकॉज इसका जो फ्यूल टैंक है वो सेंटर में है और इंजन एक साइड में आ जाता है. सो व्हेन यू पार्क द व्हीकल मोर देन फॉर मोर देन 8 hours और 10 hours ना, तो वो फ्यूल लाइन कट ऑफ हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट फ्यूल सप्लाई होता नहीं. सो कंपल्सरी यू हैव टू गिव चोक एंड यू हैव टू टिल द व्हीकल टू द राइट साइड एंड आफ्टर प्रेसिंग क्लच यू हैव टू किक इट 2-5 times देन इट स्टार्ट. अभी तो आदत हो गई है घर वालों को, कभी शाम को नीचे आएंगे पार्किंग में नया व्हीकल दिख जाता है उनको तो. एंड नॉट अ न्यू व्हीकल, सम रस्टी, कॉस्मेटिकली डैमेज्ड, इवन समटाइम्स डेड कंडीशंस. मैं घर में आने के बाद मेरे कॉल्स चालू रहते हैं, इसको ये चाहिए, वो स्पेयर्स चाहिए, या फिर वो डील आ गया है, ये गाड़ी आ गया है, तो उससे तो बोर होते ही होते.
सो दे आर हैबिचुअल ऑफ दिस. वेस्पा मैंने रिस्टोर की थी 2018 में कुछ दिवाली के आसपास. सो इट वॉज़ अ लक्ष्मी पूजन एंड नीचे गाड़ी रेडी होने के बाद गाड़ी लाया, खड़ी कर दी पार्किंग में एंड मम्मी डैडी को नीचे बुला लिया. वो तो शॉक हो गए, बिल्डिंग वाले भी नीचे आ गए. लूना का दे नोस अबाउट कि मैं कुछ कर रहा हूँ कांड, क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल्स चालू था कोल्हापुर में ट्रांसपोर्ट में, यहाँ से वहाँ से कैसे गाड़ी लाना है क्या है. बट घर में गाड़ी आने के बाद उन्होंने बोला, यार ये क्या लाता रहता है तू. बट गाड़ी रिस्टोर होने के बाद वो खुश हो जाते. मेरे डैड को अभी तक पता नहीं है कि मेरे पास कितने व्हीकल्स है, दैट इज़ द फैक्ट. वाइफ कभी कभी चला लेती है, उसको मैं आदत डाल रहा हूँ बिकॉज गाली पड़ती है. दीज व्हीकल्स आर हिस्ट्री, मीन्स आइकॉनिक है. यू कैन राइड देम, यू कैन कीप देम. नाउडेज आप हम लोग देखते हैं कि 15 ईयर्स ओल्ड गाड़ी बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट मुझे लगता है कि वैसा कुछ होना नहीं चाहिए. जितने भी गाड़ियाँ बची है या फिर जो भी अच्छे कंडीशन में है, उनको रिस्टोर होना चाहिए. नॉट रिस्टोर्ड बट एटलीस्ट मैकेनिकली फिट होना चाहिए, बिकॉज ये एक हिस्ट्री का पार्ट है और एक ज़माने की शान है.